वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग वेट लॉस होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जिसे अगर आप 1 वीक ट्राई करेंगे तो आपको वेट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमने यहां पर बनाना का यूज करा है। आई नो हम बनाना को वेट गेन के लिए भी यूज करते हैं, बट वेट लॉस के लिए आपको बनाना को कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, आज मैं आपके साथ यही सारी बातें करने वाली हूँ। तो जो बनाना होता है काफी लो होता है कैलोरीज में, और यही रीजन है कि इसे लेने के बाद हमारी कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं पुट ऑन होती है और हम वेट गेन नहीं कर सकते हैं। अब इसे लेने का तरीका है, अगर आप दिन भर में 2 या 3 बनाना खा लेंगे तो ऐसे में डेफिनेटली आपका वेट बढ़ने लगेगा, बट हम यहाँ पर वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वजन कम करने के बारे में। तो हमें यहाँ पर सिर्फ हाफ बनाना का यूज करना है, और जो तरीका आज मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ उसे आपको 1 हफ्ते तक रेगुलरली ट्राई करना है। 1 वीक तक एम्प्टी स्टमक रोज आपको इस होम रेमेडी को ट्राई करना है, और हफ्ते भर बाद जब अपना वेट चेक करेंगे आप तो आपको किलोज में अपने वेट में अंतर दिखने लगेगा। तो ये हमने यहाँ पर एक राइपन येलो कलर का बनाना लिया है, हमें यहाँ पर कच्चे केले का यूज नहीं करना है। बनाना के पील्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वेट लॉस के लिए, बट आज मैंने यहाँ पर हाफ बनाना लिया है और हाफ मैंने अलग रख दिया है। तो आधे बनाना को मैं इस तरीके से फोर्क की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉलिड से कन्वर्ट होकर थोड़ा सा मशी हो जाए। थोड़ा सा ये मशी हो जाएगा तो इसे लेना और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो बनाना जो होता है हमारी बॉडी के लिए डिटॉक्स का काम करता है, हमारे बॉडी से, हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उन्हें फ्लश आउट कराने का काम करता है हमारे लिए। ना ही सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी बनाना अमेजिंग वर्क करता है। ये हमारी बॉडी के लिए डिटॉक्स भी की तरह भी काम करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन ही नहीं होगा, हर चीज जो भी आप दिन भर में खाएंगे एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब लास्ट मैंने जो बनाना मैश करके रखा है इसमें मैं 1/2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, और ये हमारी बनाना की हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आपको मॉर्निंग में रोज सुबह एम्प्टी स्टमक इसे ऐसे ही लेना है, इसमें कुछ भी एडिशनल आपको हनी एंड ऑल कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है सिवाय लेमन के, क्योंकि हमारा जो लेमन होता है लेमन में विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और साथ ही वजन को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेमन हमारे बॉडी से सभी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कराता है, तो बनाना हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म रेट जो रहती है हमारे बॉडी में उसे भी इंक्रीज करने का काम करता है। हमारी मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छी होगी, फास्ट होगी, तो डाइजेशन भी जल्दी होगा, और डाइजेशन जल्दी जल्दी होगा तो फैट डिपोजिशन ही नहीं हो पाएगा। साथ ही ये ड्रिंक अगर आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेंगे तो पूरा दिन आप एक्टिव और फिट फील करने वाले हैं, आपको पूरा दिन बिल्कुल भी थकान कमजोरी नहीं लगेगी, साथ ही आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट अप करने का काम करेगी। तुरंत ही आपका मूड अगर काफी ज्यादा अपसेट है या फिर आपका माइंड कहीं डाइवर्टेड है तो आपके मूड को लिफ्ट करने का काम करती है बनाना वेट लॉस ड्रिंक। अब आपको इसे एम्प्टी स्टमक लेना है, मॉर्निंग में सुबह लेना है, आपको इसको दिन भर में नहीं लेना है कि, और इसे लेने के बाद आपको 2 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाना है, आपको इस बनाना ड्रिंक को अपना काम करने देना है अपने स्टमक में। इसके बाद ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ब्रेकफास्ट कर लिया आधे 1 घंटे बाद, नहीं, हमें इसे लेने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है सिवाय पानी के। और ये काफी ज्यादा टेस्टी भी लगती है क्योंकि इसमें हमने लेमन ऐड करा है, थोड़ा सा स्वीट सा टैंगी सा इसमें फ्लेवर आता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसका टेस्ट कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग रहता है। एंड बनाना तो हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बनाना में होता है पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि हमारी बोन्स की हेल्थ को भी इंप्रूव करने का काम करता है, हमारे हार्ट डिसीजेस के चांसेस को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको ये बनाना वेट लॉस ड्रिंक पसंद आई हो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।